एक देसी घी है ये, बहुत शानदार तेल है ये। आप बोले ऑन कैमरा? नहीं मैं इस उम्र में ऐसे बात करूंगा। हेलो सभी लव एनिमल लवले चल लवल व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली। तो गाइज कल की आपने इंस्टा पे स्टोरी देखी होगी, मैंने सारी अपडेट डाल दी थी कि मैं बुलेट की सर्विस करा रहा हूँ अगेन। इसमें डिफरेंट क्या है, काफ़ी सर्विस कराई है। इस बारी की सर्विस मेरी पड़ी है लगभग 928 रुपये की, और लास्ट जो सर्विस थी वो मेरी 1100 रुपये की थी, जो कि आपको काफ़ी पसंद आई थी वो वाली वीडियो। तो 900 रुपये में मैंने सिर्फ इसमें ऑयल फिल्टर चेंज कराया, एक आपका लेबर चार्जेस दिया और प्लस इंजन ऑयल जो कि 3 लीटर इसमें डला है। तो मैं सीधा बाइक पर ले जाता हूँ, मैंने क्या क्या चेंज कराया, क्या क्या काम करवाया। तो गाइस जैसे कि आप बाइक को देखेंगे तो बाइक ये रही सर्विस हो गई है, और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर ये मैंने इसकी सीट का काम करवाया है। इसकी सीट ख़राब हो गई थी और ये सीट का ख़र्चा मेरे को पड़ा 200 रुपये का। ये सीट का ख़र्चा पड़ा है मेरे को 200 रुपये का। ये देखो बहुत ब्यूटीफुल, और यहाँ पर जो इसमें सिलाई जो कर रखी है, डबल सिलाई कर रखी है साइड में, आप देख रहे होंगे, और पीछे से पूरी लुक आपको दिख रही है एज इट इज़ बुलेट लिखा हुआ है। और इसके अलावा मैंने क्या चेंज कराया है इसमें मैंने ये स्पेशल चीज़ है की, एक सेकेंड, ये की, ये सारे मैंने की लॉक जो हैं जितने भी हैं ये सारे मैंने चेंज कराए हैं, एक वो दो तीन, और इस साइड मैं दिखा दूं 4, ठीक है। और इसके अलावा एक ये फ्यूल टैंक का ये वाला साइड में, तो ये सारे कुछ मैंने ऐसे चेंज करवाए हैं। तो अब मेरे को ये चेंज क्यों कराने पड़ेंगे, क्योंकि इसके फ्यूल टैंक और एक दो चीज़ें ना, इसकी लॉक पिन ख़राब हो गई थी, की भी ख़राब हो गई थी। तो ये की मेरे को पड़ी है 700 समथिंग रुपीज़ की, भाई गया था करोल बाग से लेके आया, प्लस 200 रुपये सीट के, 900 रुपये सर्विस के। अगर जनरली देखा जाए तो पूरी सर्विस मेरी 900 रुपये की हुई है, अगर टेक्निकली देखा जाए तो सर्विस कॉस्ट इसकी सिर्फ 900 रुपये पड़ी है। कल थंडरबर्ड भी सर्विस हो रही थी जिसकी कॉस्ट 2100 रुपये पड़ी थी, उसमें फ्रंट डिस्क पैड और रियर डिस्क पैड वो भी चेंज हुए थे, इंजन ऑयल भी चेंज हुआ था। और इसकी पूरी प्रोसेस मैं बताऊँ तो सबसे पहले एक डलता है वो फ्लश आउट, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल दे चुका हूँ, फ्लश आउट जो कि इंजन ऑयल में डाला जाता है इंजन के अंदर, उसके बाद बाइक को 10-15 मिनट के लिए वार्म अप होने दिया जाता है, देन उसके बाद इसको क्लीन करके हटा दिया जाता है। सेकंड फिर आपका इंजन ऑयल चेंज होता है, थर्ड इज़ आपका फिर अपना ऑयल फिल्टर लगा के इसको पूरा रेडी करके कंप्लीट कर देते हैं। तो अब मैं सर्विस को मैंने सिनेमेटिक शॉट्स दिखाए हैं। सिनेमेटिक्स क्यों दिखाए हैं, वो एक्चुअली इसलिए दिखाए हैं क्योंकि कुछ ऐसे आपत्तिजनक बातें चल रही थी तो जिसको मैं कैमरे में नहीं दिखा सकता था, तो इसलिए मैंने वो सारे शॉट्स को मैं सिनेमेटिक में दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सिनेमेटिक्स एन्जॉय करो। हाँ भाई, नकली बंदे क्या कर रहा था? क्लच ब्लेड कोई बात नहीं ना, कम से कम फोन तो कर लिया होता, मुझे पता था पेट्रोल भेजता ही नहीं मैं। ये जो है ना, जिस पे ये चढ़ा होता है वो डुप्लीकेट होता है, ये ध्यान रखनी है। किस पे चढ़ा होता है, क्या चढ़ा होता है? जिस पे ये स्लिप चढ़ा होता है। अच्छा, वो डुप्लीकेट है। तो ये भी डुप्लीकेट है? तेरे को मैंने स्पेशल कहा था ना कनामेटिक से लेके। अरे सही है यार, वो जानवर क्यों टेंशन ले रहा है यार, इनको वकील साहब। तू तो रहन दे, क्या समझे, तू तो रहन दे, जितने भी तेरे बाल आए ना उनके जमाने में उड़ गए इतने एक्सपीरियंस से। सर क्या हुआ, साजी चेंज करा के लाऊं फिर ये दोबारे? नहीं, मजे ले रहे हो हैं?
अंदर तक करो उस्ताद जी साहब इसको, एकदम साफ है। हमारे जितना सफाई कौन करता है। तेल देख देसी घी है, ये बहुत शानदार तेल है। अरे शानदार गाड़ी भी तो है, ये रॉयल एनफील्ड नहीं, ये बाप है, ये किंग है। साजी आपने इसका वो गियर वाला नॉब नहीं देखा? नो, क्योंकि करारी वरारी देख लेते ना सही। और नहीं यार क्लच के वजह से ना क्लच गिर गया। गियर भी तो अटक रहा है। ये करारियां सब सही हैं? वो सब ठीक है, उसको क्या होगा वो करारी जो उसमें कांटे वाली होती है। तो पूरा ठीक कर, थोड़ा फास्ट करना।
गाइस, आपने वीडियोस भी देख ली, सिनेमेटिक्स भी देख लिया। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स दूंगा। देन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने भाई को सपोर्ट करते रहना हमेशा की तरह। मेरी सारी वीडियोज़ को अच्छे अच्छे लाइक्स और अच्छे अच्छे व्यूज़ देना। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।